अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 इस थर्ड ईयर की बुक, पार्ट 1 की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी एंड थ्योरम्स करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 3 की मैं आपको करवा चुकी हूं, अभी चैप्टर नंबर 4 की बारी है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मोमेंट्स एंड स्क्यूनेस। जी, अब इससे रिलेटेड आपकी थ्योरी एंड थ्योरम्स मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट टू आर मोर सेट्स ऑफ डेटा मे हैव द सेम एवरेज मीन मीडियन आर मोड बट देयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस मे डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द एवरेज दस अ वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब द डेटा। यानी कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ चैप्टर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी हम फाइंड करें तो वो डाटा की हमारी एडिक्वेसी को नहीं बता सकता, हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी फाइंड करना ज़रूरी है। वी देयरफॉर नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विद हाउ द डाटा आर डिस्पर्स्ड अबाउट द एवरेज। यानी कि एवरेज तो आपको पता ना कि सेंटर का एक कह लेंगे हमारे डाटा के सेंटर की वैल्यू है, तो हमारा सिर्फ वो कह रहे हैं कि सेंटर की वैल्यू फाइंड करना इनफ नहीं है, हमने डाटा का देखना है कि डाटा का फैला कितना हमारा हुआ है, डाटा किस रेंज तक हमारा फैला हुआ है, ये सब कुछ हम मेजर करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में ये दिस इज डन बाई मेजरिंग द डिस्पर्शन बाई विच वी मीन द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल आर इन अ पॉपुलेशन वेरी अबाउट देयर मीन। यानी कि मीन के इर्द गिर्द कितना वेरी कर रही हैं। अ क्वान्टिटी दैट मेजर्स दिस करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एक क्वान्टिटी जो कि इस खसूसियत को मेजर करेगी वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी या स्कैटर या वेरिबिलिटी इसका नाम है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन द सेम यूनिट्स एज द ऑब्जर्वेशंस जीरो व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाई अ कॉन्स्टेंट है। ये आप बेशक आप नेक्स्ट ना पढ़ें, आपको बस इतना ही पढ़ना काफ़ी है कि मेजर ऑफ पिछला जो चैप्टर था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से बढ़ के ये चैप्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें वो इनफ नहीं था हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए हमें उसकी स्कैटरनेस या उसकी कह लें कि डिस्पर्शन को भी फाइंड करना है। अब यहाँ पर दो टाइप्स हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव। जी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज वन दैट मेजर्स द डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट्स। अब एब्सोल्यूट का मतलब है कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट आर इन द स्केयर ऑफ यूनिट्स एज द यूनिट ऑफ द डाटा, जो डाटा का यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द यूनिट्स ऑफ द डाटा आर रुपीज मीटर्स किलोग्राम्स एट्सेट्रा द यूनिट्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल ऑल्सो बी रुपीज मीटर्स। यानी कि जो आपके डाटा का यूनिट है वही मेजर ऑफ डिस्पर्शन का यूनिट भी रहेगा। आ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज वन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो कोफिशिएंट ऑफ परसेंटेज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जी, अभी एब्सोल्यूट के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें यूनिट्स आएंगे, जो हमारे यूनिट होंगे डाटा के वही एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के मेजर यूनिट होंगे। रिलेटिव का के बारे में कहा जा रहा है, अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज वन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, जो कि रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके या कोफिशियंट या परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और वो यूनिट से आज़ाद है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उसमें यूनिट नहीं आते। नेक्स्ट, ये इसकी रेंज हैं, ये इसकी कह लेंगे टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं, रेंज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन भी इसको कहते हैं, मीन डेविएशन आर द एवरेज डेविएशन भी इसको कहते हैं, वेरियंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार इसके टाइप्स हैं।
नेक्स्ट रेंज, पहली टाइप है रेंज का, तो आपको पता ही है फार्मूला आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब ये सारा पढ़ाने का मकसद ये कि आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव वगैरह के बारे में आपने एक्सप्लेन करना, ये हैं क्या, और फिर उनके ये अपने लिखने हैं उनकी टाइप्स के नाम। अब अलग अलग भी आपको पता होना चाहिए कि रेंज है क्या, रेंज का एक फार्मूला क्या है आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, और फिर उसके बाद कोफिशियंट ऑफ रेंज क्या है कि एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। जी नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी एग्जांपल सॉल्व की गई है। उसके बाद सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आर द क्वार्टाइल डेविएशन है, इसका फार्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिफाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल्स एंड हाफ ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। जी अब ऊपर क्वार्टाइल के डिफरेंस है, यानी कि ऊपर कह लेंगे उसकी क्वार्टाइल्स की रेंज निकालिए, बड़ी रेंज बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने को हम रेंज कहते हैं, डिवाइड में 2 कर लेंगे, 2 पर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। नेक्स्ट ये इसकी है एग्जांपल, ये इसकी एग्जांपल। उसके बाद मीन और एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन इसको कहेंगे। द मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन मेजर्ड ईदर फ्रॉम द मीन और फ्रॉम द मीडियन, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है, एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी होता है। अब ये सब बताने का आपको मकसद ये है कि आपको ये सब इसकी सेपरेट डेफिनेशन नहीं आएंगे, लेकिन आपको ओवरऑल इसका पता होना चाहिए, आपको हो सकता है थ्योरी में पूछ लिया जाए कि इनकी टाइप्स और ब्रीफली उनको एक्सप्लेन करें। वैसे कोई पेपर में पास पेपर में बहुत आता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इनका थोड़ा थोड़ा ना दो दो लाइन्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप बेशक इसको रीड एक बार कर लें। और मीन डेविएशन फ्रॉम, मीन डेविएशन का मैं थोड़ा सा बता दूं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो होता है ना वो मिनिमम होता है बाकियों से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जी नेक्स्ट इसका कोफिशियंट का फार्मूला ये है, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन ओवर मीन, और ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट है वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बारे में भी दो दो लाइन्स आपको जरूर आनी चाहिए। द वेरियंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। द वेरियंस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन वेरियंस, ट्रेडिशनली डिनोटेड बाई सिग्मा स्क्वेयर। इफ ये सब आप इसके फार्मूलाज वगैरह देख लें एक बार। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका देखें कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है, ये भी आपको पता है फार्मूला इसका एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, और ये सारा इसकी कह लेंगे डेफिनेशन है। इसके बाद इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं वेरिएंस की, तो ये मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द फॉलोइंग यूजफुल इन एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। द वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। अब किसी कॉन्स्टेंट का वेरियंस अप्लाई हो ना किसी ए पे, किसी कॉन्स्टेंट पे, तो वो जीरो हो जाता है। द वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजन, ओरिजन से ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजन से वो इंडिपेंडेंट है। कुछ प्लस हो रहा हो, कुछ माइनस हो रहा हो, उसको वो ख़त्म कर देगा, जीरो कर देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है सेकेंड। थर्ड प्रॉपर्टी इज द वेरियंस इज मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय द स्क्वेयर ऑफ द कॉन्स्टेंट्स व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज ईदर मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट। जी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनल आंसर में ए का स्क्वेयर हो जाएगा। अगर कुछ डिवाइड भी हो रहा होता एक्स के साथ, तो उसका भी स्क्वेयर हो जाना था। द वेरियंस ऑफ द सम आर डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरियंसेस। जी अगर वेरियंस में एक्स प्लस माइनस वाई है, प्लस है तो वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई हो जाएगा, अगर माइनस है तो वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई, यानी कि माइनस को भी वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस की जगह भी प्लस यूज होगा। नेक्स्ट
ये आप बेशक रहने दें, इसको ना देखें। ये स्टैंडविशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें भी देखें वेरिएंस की तरह जो कांस्टेंट है उसको ज़ीरो कर देगा, कुछ प्लस हो रहा है कांस्टेंट वो भी ज़ीरो हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे इसका स्केयर हो गया था मल्टीप्लाई का, ये एज इट इज़ आ जाएगा, कुछ प्लस माइनस है तो वो प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स है ट्रिम्ड एंड विंसराइज्ड बेयर, ये भी जस्ट आप एक बार देखना है तो रीड करना है रीड करें, एज सच इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मोमेंट्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मोमेंट जी। इस मोमेंट टॉपिक की पहले मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर इसमें एक दो थ्योरम हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो इम्पोर्टेंट है। अ मोमेंट डेजिग्नेट द पावर टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। फॉर एग्जाम्पल द क्वान्टिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट एंड इज डिनोटेड बाई म्यू वन। सिमिलरली द क्वान्टिटी दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट एंड इज डिनोटेड बाई म्यू टू। द कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल मोमेंट्स आर डिनोटेड बाई एम वन एंड एम टू। इन जनरल द अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इज द अर्थमेटिक मीन। खैर ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन के मुताबिक याद कर लें के मोमेंट है क्या, मोमेंट क्या है, समीशन एक्स माइनस म्यू पावर में जो जो इसका मोमेंट पूछा जा रहा है वही पावर में यूज़ होगा, आर है तो आर यूज़ होगा, डिवाइड में एन आ जाएगा। नेक्स्ट दीज मोमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल मोमेंट्स आर द मीन मोमेंट्स एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा। जी ये सेंट्रल मोमेंट्स भी कहलाते हैं या इनको मीन मोमेंट्स भी कहते हैं जी। स्टूडेंट्स ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये पेपर में अक्सर आ जाता है, ये मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मोमेंट अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट द आर्बिट्रेरी ओरिजिन, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे आपने सॉल्व करना है। अब पहले तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन क्या होता है और इसके अलावा मोमेंट अबाउट कह लें कि आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। मोमेंट्स के टॉपिक में कह लेंगे तीन टाइप्स हैं हमारे पास, एक है मोमेंट अबाउट मीन, दूसरा है मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू जिसको हम ए कहेंगे, और तीसरी टाइप है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी कि इसको हम ज़ीरो कहेंगे और ये आपको पता है क्या है, ये एक्स बार है जी। ये तीन टाइप्स के मोमेंट्स हैं। अब ये जो पहले वाला है इसका मैं आर का फार्मूला अगर देखूं तो वो ये बनेगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार पावर आर ओवर एन, इसके मुताबिक देखूं तो इस एक्स बार की जगह पे ए आ जाएगा, समीशन x माइनस ए पावर r ओवर n जी। अब ओरिजिन के मुताबिक देखूँ तो इस a की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, समीशन x पावर r ओवर n। अब इन तीनों फार्मूलाज में आपको डिफरेंस समझ आ गई होगी कि मोमेंट अबाउट मीन क्या है उसमें माइनस x बार होता है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या है उसमें माइनस a होता है, और मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या है वो उसमें यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो जस्ट x रह जाएगा जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मोमेंट अबाउट मीन यानी कि ये वाला, इस वाले को किससे कंपेयर करना है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन से ए, इसका कंपैरिजन हमने इससे करना है ओरिजिन से।
एंड कन्वर्सली, और कन्वर्सली भी पहले इसको इससे शो करना है फिर इसको इससे शो करना है, ये हमने दोनों आपस में कन्वर्सली करने हैं. इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट द मोमेंट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन दे आर देन ट्रांसफॉर्म टू द मीन मोमेंट्स. दिस इज डन बाई यूजिंग द रिलेशनशिप्स अबटेन्ड एज फॉलोज. बाई डेफिनेशन, अब बाई डेफिनेशन आ जो मोमेंट का फार्मूला है ना वो ये है, बेसिकली यही जो फार्मूला मैंने लिखा है ना आपके सामने यही ये है. बस कह देंगे समिशन के साथ एफ लगा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि वो ग्रुप डाटा में समिशन के साथ एफ आ जाता है. बाकी देखें सारा फार्मूला कि ये है, यानी कि एम आर लिखना है आपने इज इक्वल्स टू, और आपको ये भी पता है ना कि ये मोमेंट अबाउट मीन जो है वो एम आर से डिनोट होता है, लेकिन ये दोनों जो है ना ये दोनों एम आर प्राइम और ये भी एम आर प्राइम, ठीक है, ये एम आर से डिनोट होगा मोमेंट अबाउट मीन, और ये दोनों एम आर प्राइम से डिनोट होंगे. अब हमने एम आर का रिलेशन फाइंड करना है एम आर प्राइम के साथ, तो एम आर को पहले कंसिडर करें वो ये है, एम आर इज इक्वल्स टू 1 ओवर n समीशन f x माइनस x बार पावर r. द क्वांटिटी विद इन ब्रैकेट्स मे बी रिटन एज, अब ये जो सेंटर में ब्रैकेट में क्वांटिटी है हमने इसको कंसिडर करना है, इसको यहाँ पे लिखें x माइनस x बार, और इसमें कुछ खुद से हमने चूँकि हम a की इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं ना तो खुद से इसमें माइनस a एंड प्लस a कर लें, ठीक है, इसके दरमियान में माइनस a एंड प्लस a कर लें इज इक्वल्स टू. अब इसको थोड़ा सा हमने खुद से कह लें कि दो ब्रैकेट्स में स्प्लिट करना है, x माइनस a एक ब्रैकेट में रख लें और यहाँ से ये पहली ये टर्म एक ब्रैकेट में रख लें और ये टर्म दूसरी ब्रैकेट में रख लें. a माइनस x बार है तो इसको माइनस को कॉमन निकाल लें और ये अंदर x बार माइनस a आ गई, क्लियर, ये पहली टर्म ये आ गई और दूसरी टर्म माइनस कॉमन निकाल के माइनस बाहर आ गया और ये अंदर आ गया, क्लियर. अब ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों इनको नाम हमने दे दिया, इस पहली टर्म को हमने डी का नाम दे दिया, आई बेशक आप साथ ना यूज़ करें जब आप सॉल्व करेंगे पेपर में. एक्स माइनस ए आपको वैसे भी पता है कि एक्स माइनस ए को डी ही कहते हैं, ये फार्मूला आपको पता ना डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए को आप डी कह लें और एक्स बार माइनस ए को आप एम वन प्राइम कह लें, जस्ट एक नाम देना है, एक्स बार माइनस ए को आप एम वन प्राइम का नाम दे दें उसके बाद, और यहाँ पे डिनोट कर दें कि वेयर डी ये है और एम वन प्राइम ये है. नेक्स्ट दस वी हैव एम आर, अब हमारे पास एम आर ये जो ये फार्मूला था ना वो ये बन गया है, इसकी जगह पे एक्स माइनस एक्स बार की जगह पे अब ये डी माइनस एम वन प्राइम और आर आ गया. ये आई बेशक आप साथ ना लगाएं, मैं फिर से कह रही हूँ कि डी माइनस एम वन प्राइम पावर आर आ गया बाई मीन्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. अब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन इस पर अप्लाई करनी क्योंकि इसकी पावर में आर है, तो आर को ओपन कैसे करना है वो ज़रा आप देखें जी. अब एम आर का फार्मूला ये होता है, एम आर जो यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने ये लिखा है, ये एम आर इज इक्वल टू दिस वन, एम आर इज इक्वल टू, और इसको हम ओपन करने लगे हैं, एम आर इज इक्वल टू 1 ओवर n समीशन f, और अंदर से सारा ये ओपन हो गया, यानी कि इसके ऊपर क्या था पहले, इसके ऊपर था d माइनस एम वन प्राइम पावर r एंड समीशन f इधर था और 1 ओवर n इधर था, तो ये तो एज इट इज़ आ गया, समीशन f एज इट इज़ आ गया, d माइनस एम वन प्राइम की पावर r, इसको r को ओपन किया. आर को ओपन करने का ये तरीका अगर स्केयर होता ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए माइनस बी स्केयर होता तो आपने क्या करना था, ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, इसी तरह अगर क्यूब होता तो उसका भी एक सेपरेट फार्मूला है. तो पावर में आर का क्या फार्मूला है कि पहली वैल्यू लिखें उसकी पावर में आर लिख लें, माइनस लगाएं, माइनस लगा के आपने आर सी वन और d दोबारा से लिख के इसके पावर में इधर r है तो इधर r माइनस वन और m वन प्राइम ये आपने लिख लेना है, ठीक है, प्लस यानी कि एक बार पहला प्लस है ना तो अगला माइनस साइन, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह करके आपने इसको चलाना है प्लस माइनस करके, यानी कि ये r पावर जब इसके ऊपर आएगी तो प्लस होगा, जब ये r पावर इसके ऊपर आएगी यहाँ पे इसके ऊपर
आर माइनस वन होगा तो तब यहाँ पे माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन की समझ आ गई होगी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहला डी आपने लिखना है और इसकी पावर आर, ठीक है, माइनस का साइन, क्योंकि ये पहला प्लस का हो गया ना, माइनस का साइन लगाएं और ब्रैकेट में ये आर है ना, आर सी, ये जो ब्रैकेट लगे हो इसको हम सी कहते हैं, आर सी वन, और ये डी लिखना है और इसकी एक एक पावर रिड्यूस करते जाएं, इधर आर है तो इधर आर माइनस वन और एम वन प्राइम लिखते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आर सी वन है तो आर सी टू आप लिखें, और डी की पावर आर माइनस वन है तो डी की पावर आर माइनस टू एक और कम कर लें और इसकी बढ़ा लें। यहाँ पे कह लें इसकी पावर ज़ीरो थी, लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे इसकी पावर वन होगी तो यहाँ पे इसकी पावर टू होगी, प्लस सो ऑन। अब एंड में ये जो देख रहे हैं ना, ये माइनस वन की पावर आर, ये साइन को शो कर रहा है कि आर, अगर ये आर कह लेंगे ऑड हुआ तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, अगर ये आर इवन हुआ तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। आप देखें शुरू हमने इससे किया था, ये पहली टर्म से डी लिखा था, तो एंड हमने एम वन प्राइम की पावर आर से करना है, इधर हमने डी की पावर आर लिखा था, सबसे एंड पे हमने एम वन प्राइम की पावर आर लिखना है, क्लियर। और मैं साइन का दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, माइनस साइन है ना, माइनस साइन चूँकि यहाँ पे इसके साथ है, एम वन प्राइम के साथ है, तो यहाँ पे एम वन प्राइम की पावर क्या है, वन, तो माइनस साइन आएगा। जब एम वन प्राइम की पावर टू होगी तो इस माइनस का भी कह लें स्क्वायर होने से ये प्लस में बदल गया, ठीक है। तो एम वन प्राइम एंड में आर है तो आर की इवन या ऑड होने को के मुताबिक हम माइनस या प्लस करेंगे। आई होप आपको इसकी एक्सपेंशन की समझ आ गई है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, यही कह लें कि इसमें मेन पॉइंट ही यही था और इसमें कोई पॉइंट मेन नहीं है। नेक्स्ट आपने, अब ये जो सी है ना, सी को ओपन करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है, आर फैक्टोरियल डिवाइड में जे फैक्टोरियल, और डिवाइड में ही आर माइनस जे फैक्टोरियल होता है। आर फैक्टोरियल किसके बराबर है, आर इंटू आर माइनस वन, आर माइनस टू, सो ऑन, थ्री टू वन, एम आर इज इक्वल टू। अब इसको हमने ओपन करना है, वन ओवर एन समीशन एफ है ना, इसको हमने इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ ओपन करना है। इसको इसके साथ ओपन किया, माइनस ये लिखेंगे, इसको इसके साथ ओपन करके लिख लेंगे प्लस, और इसको फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस ये जो ये आप देख रहे हैं ना, वन ओवर एन समीशन एफ, इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ एंड सो ऑन, एंड में इसके साथ मल्टीप्लाई करके ओपन करके जस्ट लिख दिया गया और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अब ये जो अकेला ये वाला पूरा बन गया है, इसको हम लिख सकते हैं एम आर प्राइम, कैसे कि हमारे पास एम आर प्राइम का यही फार्मूला है, ये यहाँ पे देखें, एम आर प्राइम क्या है, समीशन x माइनस ए, तो x माइनस ए को कहते क्या हैं, d ही तो कहते हैं, समीशन यहाँ पे अगर मैं f भी लगा दूँ समीशन के साथ, समीशन f d की पावर r ओवर n, तो यही फार्मूला नहीं बन गया, ये समीशन f d की पावर r और डिवाइड में n, तो इस फार्मूले को हम एम आर प्राइम कहेंगे। इसकी जगह पे हम एम आर प्राइम लिख देंगे, आर सी वन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है, इसकी जगह पे हम एम आर माइनस वन, यानी कि डी की पावर में जो कुछ होता है ना वो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। यहाँ पे डी की पावर में आर था तो हमने आर लिख दिया, यहाँ पे डी की पावर में आर माइनस वन था तो हमने एम के साथ आर माइनस वन लिख दिया प्राइम, और एम वन प्राइम प्लस आर सी टू, और यहाँ पे ये देखें, ये इसको हम क्या कहेंगे, एम प्राइम, और साथ जो इसके पावर में है इसके सबस्क्रिप्ट में आर माइनस टू आ जाएगा, एम वन प्राइम होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन पावर आर ये लिखेंगे, और एम वन प्राइम की पावर आर ये लिख देंगे। ये क्या पूरा का पूरा ख़त्म ही हो गया, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो समीशन एफ और डिवाइड में भी ये समीशन एफ ही है, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो गई तो हमारे पास ये आ गया जी। ये फार्मूला चूँकि हमारे पास आ चुका है और यही मेन फार्मूला, यानी कि पेपर में आपको यही प्रूव करने को कहते हैं। मैं आपके सामने ये पेपर रखने लगी हूँ, 2005 पेपर है और ये पास्ट पेपर के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये 2018 में पेपर आया है कि इसमें
ये प्रूव करने का कहा जा रहा है, प्रूव दैट द जनरल फार्मूला कनेक्टिंग द मोमेंट्स अबाउट मीन विद मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। जी ये फार्मूला म्यू आर इज इक्वल्स टू, अब ये देखें ये पहला वाला, ये दूसरा आर माइनस टू एंड एंड इसका ये, तो यही फार्मूला है ये। माइनस वन एंड से देखें कि माइनस वन पावर आर, माइनस वन पावर आर, एम वन प्राइम म्यू वन, इधर म्यू नाम दिया गया है इधर एम का, बस इतना ही चेंज है, पावर में आर, इसे पीछे प्लस सो ऑन पीछे आए, तो ये यही फार्मूला बनता है। यानी कि सारा का सारा यही फार्मूला है जो आपको प्रूव करने का कहा गया था, यहाँ पे म्यू के फॉर्म में है। और अगर आपको पेपर में याद रखें कि क्वेश्चन में म्यू के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे आपने एम के फॉर्म में नहीं, एम की जगह म्यू ही लिखना है। यानी कि इससे पता चला कि ये आपका कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है और 7 नंबर का ये फार्मूला है। नेक्स्ट, यहाँ तक जब हो जाए उसके बाद बहुत ईजी है, ये बस एक दो स्टेप थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आपने पुट करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें कि आपको बस इतना ही पूछा गया था कि जनरल यहाँ तक आपने एक्सप्लेन करना था, लेकिन 2020 का जो पेपर है वो मैंने देखा है, मेरे पास है, उसमें नेक्स्ट ये आर की 2, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं कि आर की 2, 3 पुट करके जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो प्रूव करें। यानी कि उसका भी हमने स्टार्ट यहीं से लेना है, यानी कि चीज़ एक ही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछी गई है, उसका भी हमें स्टार्ट यहीं से लेना है, इसको सारा ऐसे ही सॉल्व करना है। और फिर जब ये आंसर आ जाएगा फिर इसमें आर की जगह जो भी वो पूछेंगे, 2, 3 पुट करने का कहा है वो कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 चारों पुट करने का कहा है वो चारों पुट कर लेंगे। अब आपने इस फार्मूले में जब 1 पुट किया इस फार्मूले में, तो वो क्या हो गया, एम वन, चूँकि यहाँ पर एम आर है, एम आर की जगह 1 हो गया, इज इक्वल टू एम वन प्राइम माइनस ये M1 प्राइम इधर आ गया और इधर 1 माइनस 1 हो गया, इधर भी तो R की जगह 1 पुट करेंगे, R 1 माइनस 1 0 हो गया, M0 प्राइम की वैल्यू 1 है, M0 प्राइम इसको हम 1 के इक्वल रखेंगे, और RC1 ये भी 1 है, ठीक है, RC1 भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो M1 प्राइम रह गया। अब इससे आगे जो भी है ना वो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आर की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, आर की जगह 1 लिखा, तो 1 माइनस 2 ये हम निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पे 1C2 बड़ी छोटी वैल्यू में का कॉम्बिनेशन टू बड़ी वैल्यू के साथ हम नहीं निकाल सकते, यानी कि यहाँ तक तो हम एग्जिस्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारे लिए एग्जिस्टेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पहली 2 टर्म्स का ये आंसर आ गया, इतना सा इसका मोमेंट का M1 का फार्मूला हो गया। M2 जब हमने पुट किया तो इधर R की जगह पे इधर भी 2 पुट किया, इधर भी 2 पुट किया, ये देखें इधर भी 2 पुट किया, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये दोनों सेम नहीं हो गए, M1 प्राइम, तो इसका स्केयर कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे RC2 2C2 हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, 2 2 माइनस 2 0, तो M0 प्राइम मैंने आपको बताया कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, M0 प्राइम 1 के बराबर है, और M1 प्राइम स्क्वायर ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, इससे आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2C2 है ना, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2C3, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी का कॉम्बिनेशन वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2C2 तक हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अब M1 प्राइम इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे इसका साइन क्या है, माइनस, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट आई थिंक 2 निकलेगा, और 2C2 इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट 1 निकलेगा। अब ये भी M1 प्राइम स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, M2 प्राइम माइनस 2 M1 प्राइम स्क्वायर प्लस M1 प्राइम स्क्वायर। अब ये M2 प्राइम एज इट इज़ आ गया, और इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया, इसके साथ माइनस का साइन है बड़ी वैल्यू के साथ, तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 2 माइनस 2 और ये प्लस 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो M1 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास M2 का कह लेंगे फार्मूला आ गया। नेक्स्ट, सेम पैटर्न पे आपने जब R की जगह पे 3 इसमें पुट करना है, तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन आप सेम पैटर्न पे इसमें R की जगह पे बारी बारी आपने यहाँ पे 1 रखा था, फिर 2 रखा था, आप 3 रखें, फिर 4 रखें, तो ये आपका प्रूव हो सकता है। जी, यहाँ तक आपका स्टॉप हो गया थ्योरम ये वाला।
नेक्स्ट, अगर आपसे कन्वर्सली पूछ लिया जाए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसका कन्वर्सली फाइंड करें, तो कन्वर्सली में क्या करना है, आपने उल्टा चलना है, यानी कि प्राइम को कंसिडर करना है। ये फार्मूला क्या था, एम आर इज इक्वल टू वन ओवर एन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर, यानी कि यहाँ से ये वाला चूज़ किया गया था, ये चूज़ करके इस तक गए थे। अब ये पिक, ये चूज़ करके कह लेंगे इस तक गए थे, अब ये आपने पिक करना है और वापस इस तक आना है। अब ये फार्मूला क्या है, समीशन एक्स माइनस ए होल की पावर आर ओवर एन, तो ये फार्मूला देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, समीशन एफ एक्स माइनस ए होल पावर आर ओवर एन। अब यहाँ पे इसमें चूंकि हमने खुद से इसमें माइनस ए और प्लस ए का फैक्टर कह लेंगे ऐड किया था, तो इधर चूंकि ए तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार, यानी कि खुद से कह लेंगे जो हमने जिस मंजिल तक जाना उसको हम खुद से थोड़ा सा छेड़ देते हैं, कि उधर ए प्लस माइनस कर लिया था, इधर एक्स बार प्लस माइनस कर लिया, और अब इसको हमने स्प्लिट कर लेना, थोड़ा सा करना है अपने उसके मुताबिक। अब x माइनस एक्स बार है ना, तो इसको आप खुद से नाम पेयरिंग कर लेना, पहले दोनों की पेयरिंग कर लें और नेक्स्ट टू की पेयरिंग कर लें, पहले दोनों की पेयरिंग करके उसको स्मॉल d का नाम दे दें और नेक्स्ट x बार माइनस a की पेयरिंग की हुई है तो उसको m1 प्राइम का नाम दे दें, ठीक है, m1 प्राइम की पावर r। नेक्स्ट ये हो गया, अब इसमें भी r की बायनोमियल एक्सपेंशन जब होगी तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया है पीछे भी, कि पहले इस d के ऊपर r आ जाएगा प्लस फिर आर सी वन होगा और इधर कह लेंगे इस d के ऊपर इधर r था तो इधर r माइनस वन हो जाएगा। इन्होंने ना इकट्ठा ही एक स्टेप में फिर इसको आप उन्होंने अंदर मल्टीप्लाइड भी कर दिया सबके साथ, तो ये देखें ये इतना हिस्सा अगर मैं अभी फ़िलहाल ना कंसीडर करूं तो ये यही बनी बन जाता कि d की पावर r है इधर और d की पावर r माइनस वन है और साथ ये ऐड हो गया, प्लस इधर आर सी वन है इधर आर सी टू आ गया और एम वन प्राइम स्केयर मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन सेम पैटर्न पे, जिस तरह यहाँ पे आपके सामने मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ओपन किया था, सेम पैटर्न पे आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है, ओपन करना है। उसके बाद इसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया, इसको नाम दे देना है, ये देखें ये किसका नाम हो गया, चूँकि डी इसमें किसका है, डी बराबर है एक्स माइनस एक्स बार के, और एक्स माइनस एक्स बार तो ये वाला है जिसका जो एम आर का फार्मूला है, तो ये पूरा का पूरा एम आर के बराबर आ गया, प्लस आर सी वन और ये एम वन प्राइम और यहाँ पे आ गया एम वन प्राइम इधर आ गया, और ये पूरा का पूरा मिल के क्योंकि इसकी पावर में आर माइनस वन था ना, तो ये एम आर माइनस वन हो गया, प्लस आर सी टू, अब ये पूरा का पूरा मिल के आर एम आर माइनस टू हो गया और एम वन प्राइम स्क्वायर प्लस सो ऑन। आखिरी वैल्यू इसमें ये समीशन एफ एन से कैंसिल हो गया, एम वन प्राइम की पावर आर आ गया। जी ये कन्वर्सली का थ्योरम आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें भी सेम पैटर्न पे आप इसमें पुट कर सकते हैं आर की वैल्यू टू थ्री फोर और ये फार्मूलाज आपके निकल सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये अक्सर पेपर में आपका आ जाता है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि अगर ये थ्योरम कभी क्वेश्चन में ना आए तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी इस तरह से रेलिवेंट भी आया है पेपर में, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर बहुत डिम लिखा हुआ है, खैर मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ कि डाटा दिया हो और आपसे इस डाटा के अकॉर्डिंग मोमेंट अबाउट फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन सेकंड अबाउट मीन थर्ड एंड फोर्थ ये सब से पूछे जाएं आपसे। उसके बाद इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैं कोई दिखा देती हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम्पल है 4.16, यानी कि आपको अबाउट सम वैल्यू दिया हो, जैसे अबाउट द वैल्यू जो भी होता है ना, ये हमारे पास ए की वैल्यू होती है और ये फर्स्ट थ्री मोमेंट्स हैं एम वन प्राइम एम टू प्राइम एम थ्री प्राइम, ये मीन दिया हुआ है, ये वेरियंस दिया हुआ है, ये एम थ्री और ये हमने प्रूव कर लिया। इस किस्म के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, या आई होप आपको आते हैं, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ये भी पेपर में आ जाते हैं मोमेंट रेशियोज़,
मोमेंट रेशियोज भी पेपर में आए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहे। मैं पेपर में पढ़ के आपको बता देती हूँ लिखा क्या है। ये देखिए पहला बहुत डिम है, डिफाइन द मोमेंट रेशियोज, जिसको हम बीटा वन एंड बीटा टू कहते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे गिव। अब बीटा वन एंड बीटा टू यहाँ पे मोमेंट रेशियोज मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, बस यहाँ पे कहने के उनकी एक्सप्लेन किया गया है कि ये हैं क्या। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देती हूँ कि बीटा वन जो है वो बराबर होता है म्यू थ्री स्क्वायर ओवर म्यू टू क्यूब, और बीटा टू जो है वो बराबर होता है म्यू फोर ओवर म्यू टू स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इन दोनों को हम मोमेंट रेशियोज़ कहते हैं। जो पहला है ये कह लें कि मेजर करता है स्क्यूनेस को, कि आपका डेटा ऐसे सिमेट्री है या कह लें कि पॉजिटिवली स्क्यूड ऐसे है या नेगेटिवली स्क्यूड ऐसे है, किस तरह का उसका डायग्राम है, कौन सी टेल इसकी लंबी है। बीटा वन हम हमें करते हैं इसकी मदद मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड करना, मेजर ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड करने में मदद करता है। बीटा टू किसको मेजर करता है, मेजर ऑफ कर्टोसिस है ये, मेजर ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस को मेजर करता है ये। कर्टोसिस क्या होता है कि डाटा आपका ऐसे है आपका ग्राफ, या आपका ग्राफ ऐसे है, या आपका ग्राफ ऐसे है, यानी कि इसकी पीकनेस को मेजर करते हैं, वो होता है मेजर ऑफ कर्टोसिस। और बीटा वन अगर ज़ीरो आ जाए, यानी कि बीटा वन के भी तीन टाइप्स हैं, अगर बीटा वन कह लेंगे ज़ीरो के बराबर आ जाए, तीन है इसकी, ज़ीरो के बराबर आ जाए, लेस देन ज़ीरो आ जाए, ये ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो आ जाए तो ये सिमेट्री है, अगर लेस देन आ जाए तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, बीटा टू के भी तीन टाइप्स हैं सेम पैटर्न पे, बीटा टू कह लें कि इक्वल टू थ्री आ जाए तो ये बिल्कुल दरमियान वाली, ये जो ग्राफ है ना ये बन जाता है, लेस कह लें ग्रेटर देन थ्री आ जाए तो ये ऊपर वाला ये बन जाता है, इसको हम ऊपर वाले के लिए कहते हैं लेप्टोकर्टिक, जो बिल्कुल थ्री के बराबर है ये दरमियान वाला, इसको हम मेसोकर्टिक कहते हैं। और बीटा टू अगर लेस देन थ्री आ जाए तो ये वाली नीचे वाली शक्ल है, जिसको हम प्लेटी कर्टिक कहते हैं। ये तीन टाइप्स हैं इसकी, और ये पूछा भी जा सकता है किसी क्वेश्चन में, इस किस्म का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप कोई बीटा टू या डाटा के अकॉर्डिंग निकालने का पूछ लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्यूनेस लिखा है, आपने इसको एक बार रीड करना है कि स्क्यूनेस है क्या। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपका डाटा पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव है या क्या है। अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन हैव इक्वल फ्रिक्वेंसीज इज डिफाइंड टू बी सिमेट्रिकल एंड एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। यानी कि सिमेट्री होती है बिल्कुल कह लें कि ऐसे बराबर दोनों तरफ से, इससे थोड़ा सा हट जाए तो उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। ये सर आप इसको रीड करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको पता होना चाहिए स्क्यूनेस की आपको आ सकती है। उसके बाद इसकी ये सारी फार्मूलाज हैं, बाउलेस का फार्मूला, दूसरा फार्मूला, कर्टोसिस आपने रीड करना है कि आप इस सब को रीड करें इसमें है क्या। यही जो हमको मैंने अभी प्लेटिकर्टिक, ये लेप्टोकर्टिक सबसे ऊँचा, दरमियाना मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक, और ये कब कब आता है, बीटा टू की वैल्यू क्या हो या क्या ना हो, ये सब आपने एक बार रीड करना है, आपको पेपर में आ सकता है। और यहाँ पर आपका ये हो गया चैप्टर ख़त्म। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम यही था जो मैंने आपको बताया है, मोमेंट का प्रूव करने का, मोमेंट अबाउट मीन का, मोमेंट अबाउट ओरिजिन से रिलेशन, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला, और ये बड़े ध्यान से आपने करना है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको ओपन करनी आनी चाहिए। और आई होप आपको समझ आ गई होगी, फिर भी इस रेलेवेंट कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।